गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों सुबह के तकरीबन 5:15 हो रहे हैं और मैं आपको मंजर दिखाता हूँ बाहर का। बाहर का मंजर चेक करें, बारिश हो रही है, अभी थोड़ी हल्की हुई है तो मेरी हिम्मत हुई है, ठंड काफ़ी हो रही है, कभी तेज़ कभी हल्की, अभी काफ़ी तेज़ हो रही थी। ये मंजर है बाहर का दोस्तों, पीछे के माउंटेन मैंने आपको दिखाए थे वो तो दिख भी नहीं रहे, ये पीछे के माउंटेन थे वो तो दिख भी नहीं रहे, कहाँ चले गए, और वो पीछे नज़र आ रहे हैं। ये मंजर है दोस्तों, सारा का सारा मेरे रूम की विंडो से। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बाहर का चल के व्यू दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं आ गया बाहर, और ये है नज़ारा। कल तो रात 2:30 बजे से हो रही थी, आज मेरी सुबह 5 बजे करीब खुली है, और ये कंडीशन है दोस्तों यहाँ की। ये बादलों से ढके हुए पहाड़, बस ये जो ब्यूटी है ना वो बहुत कम मिलती है। ये नज़ारा है दोस्तों यहाँ का, आपकी स्किन के ऊपर, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों नज़ारा चेक करें, वेली के अंदर क्लाउड भागते दौड़ते हुए, क्या स्पीड दिखा रहे हैं वो, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अलग अलग। मैं स्टिल हो गया एक जगह ताकि आप देख सकें क्लाउड्स की मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आ रही है मूवमेंट, ये नज़ारा नीचे से वेली का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर देखें ये लास्ट माउंटेन है। मैंने आपको बताया था इसके पीछे वाला माउंटेन जो वो हिंदुस्तान का इंडिया का है, इस पर हमारी माशाल्लाह हुकूमत है, हमारी फौज बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कोई डर और खौफ की बात नहीं। लेकिन पीछे जैसा कि मैंने आपको दिखाया 8 मुकाम से लेके किरण तक बिल्कुल LOC है, वो जो दरिया है वो LOC है, और दरिया की उस तरफ हिंदुस्तान और दरिया की इस तरफ पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही मामला है, पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही है, जिसमें इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं, इंडियन चेक पोस्ट हैं, इंडियन फोर्स सामने मौजूद है, और कश्मीरी अवाम है जो कि इंडिया के कंट्रोल में, और इस तरफ पाकिस्तान। तो आपकी स्क्रीन पे मंजर चेंज होते हुए, अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है बस यहीं खड़ा रहूं, क्या कहते हैं बनाता रहूं भाई, एक जैसा मशवरा देना, एक कह रहे नहीं बस, और एक कह रहे नहीं नहीं बनाते रहें, ये क्या बात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि बंद कर देंगे तो बंद हो गया, हम बनाते रहते हैं, जिसने देखनी है देख ले, जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखे, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ठीक हो गया। अल्लाह क्या नज़ारे हैं भैया, कैसे बादल आए हैं,
बारिश हो रही है। और ये जो गिरास के मैदान हैं, ये जो आपको घर बने नज़र आ रहे हैं, इसके बीच की साइड जो गिरास के मैदान नज़र आ रहे हैं, वो जंगल जो नज़र आ रहा है, कल हम वहीं पे थे, वहाँ फ़ोटो शूट कर रहे थे, और अब देखें इस वक्त वहाँ पे पूरी वैली के अंदर नीचे तक बादल मौजूद हैं। अच्छा, डेली बेस के ऊपर बारिश है, ऐसा नहीं है एक दिन हो रही है या मैं आ गया तो हो रही है, तकरीबन कश्मीर जन्नत नज़ीर डेली बेस के ऊपर यहाँ माशाल्लाह बारिश होती है। और नज़ारा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और क्या कहने, और एक घर के अंदर से भी धुआं उठता हुआ, कुकिंग हो रही है सामने से, वहां से फायर का धुआं उठता हुआ, और यहां से क्लाउड एक धुएं की मानिंद ऊपर तक मंजर चेक करें कैसे। दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर, और बाहर का ये नज़ारा है प्यारा प्यारा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलते हैं आगे, और आगे का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये मंजर है दोस्तों, दोस्तों अड़नकिन में टुडे इज़ माय लास्ट डे, आज हमारी वापसी है, और अब वापसी है घर के लिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है नज़ारा, प्यारा प्यारा अड़नकिन का, माशाल्लाह ये फूलों के नज़ारे देखें दोस्तों। हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और वो पूरा स्क्रीन पे आपकी कैसे फ्लावर हैं पिंक कलर के, आई लाइक पिंक कलर। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं, और आपके साथ मंजर शेयर कर रहे हैं, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है मेरा, मैं परसों आया था अड़नकिन, तो परसों का दिन गुजारा, जब मैं आया कड़क धूप थी, कड़क, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग बल्कि नाइट से ही बारिश हो गई। रात का मंजर भी शायद मैंने आपको दिखाया, शूट तो किया, उसके बाद सुबह का भी दिखाया, और आज एक और सुबह है
और मंजर आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। देख रहे हैं आप क्लाउड कैसे ऊपर की तरफ उठते हुए नीचे से पूरी वादी में। एंजॉयमेंट जारी है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये जिस परिंदे की है, माशाल्लाह खुद तो खूबसूरत है ही, उसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। यहाँ कहीं से आ रही है, दोस्तों हम कश्मीर वादी नीलम अड़ंग केल में मौजूद हैं। केल नीचे है, अड़ंग केल ऊपर है, इससे आगे रियाद तौबट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ईद घर पे गुजारनी है बस। और अगर ईद का मामला ना होता, मुझे ईद अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारनी होती, तो मैं तौबट ज़रूर जाता, कुछ और जगह थी वहाँ पर जाता। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ एक दिन दो दिन तीन दिन ज़रूर स्टे करता हूँ, जिस दिन पहुँचता हूँ वो नाइट, फिर एक नाइट और, तो इस तरह तीन दिन हो जाते हैं। एक दिन पहुँचने का, सेकंड डे और थर्ड डे वापसी का, तो दो दिन तो मैं स्टे करता ही हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है तौबट जाने का, क्योंकि मुझे कराची पहुँचना है बस। ईद घर पर करनी है अपने बच्चों के साथ, जो कि हमारा वेट कर रहे हैं और हम भी उनका वेट कर रहे हैं, वो हमें मिस कर रहे हैं, हम भी उन्हें मिस कर रहे हैं बेपनाह। तो इसलिए बस वापसी ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दोबारा आएंगे, तौबट भी जाएंगे और भी बहुत सारी जगह इंशाल्लाह जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बच्चे हमारे साथ ही होंगे। ये तो बाइक ट्रिप था, कर लिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट में जरूर बताना है। मैंने आपको बताया लास्ट डे मेरा अड़ंग केल में, मंजर आपके सामने, बारिश हो रही है, शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे या 5:45 होंगे, 15-20 मिनट हो गए मुझे आए हुए, और मंजर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपकी तरफ देखूँ इनकी तरफ देखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझदार हैं। अल्लाह मैं एक लम्हा भी मिस करना नहीं चाहता, और ये वादी बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, जन्नत नज़ीर ऐसी नहीं कहते, वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों चलते हैं, नाश्ता भी करना है और फिर वापसी की तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वापसी जो है मुजफ्फराबाद से बरस्ता मरी इस्लामाबाद और फिर कराची। इनकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती जा रही है, तो बहुत स्लोली जा रहा था ये, बड़ी स्पीड के अंदर जा रहा है, और बारिश में भीगे हुए ये लकड़ी के तने कटे हुए क्या खूबसूरत मंजर पेश करते हुए, माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही नज़ला भी हो गया, जुकाम भी हो गया, ठंड काफ़ी हो गई है भाई। तो दोस्तों सीन ऐसा है, आप भी कहेंगे सीट्स दिखा रहा हूँ, सीट्स नहीं दिखा रहा, सीट्स पे पानी दिखा रहा हूँ, ठीक है, तमाम सीट्स पे पानी मौजूद है, ये न ठीक है। बारिश हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और रोज़ जो है 7 बजे से पहले पहले बारिश रुक जाती है, लेकिन आज जो है होती रही है अब से कोई 15-20 मिनट पहले तक, और टाइम है 10:30 बजे का, ठीक है दोस्तों। अल्लाह अल्लाह करके हल्की सी धूप निकली है, तो बाहर आए और उतरना है नीचे, बिल्कुल उतराइए, और सारा चिकना पहाड़ है, केल तक जाना है, और केल से हमें नीचे उतरना था मुजफ्फराबाद के लिए, और हमारी है बाइक राइड। अभी देखते हैं, कल भी जो है बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो वो तो सुबह 7 बजे बंद हो गई थी, लेकिन लोग जो है नहीं आ सके, रास्ता बंद हो गया था, आज की कंडीशन का नहीं पता, कल रास्ता बंद हो गया था, लोग शाम को आए थे, देर से आए थे, रास्ता खुला, नीचे लैंडस्लाइडिंग हो गई। आज मुकामी कह रहे हैं बारिश ज़्यादा हुई है, लाजमी तौर पे लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने लैंडस्लाइडिंग हुई है कि नहीं हुई, लेकिन नीचे उतरना है, कीचड़ का पहाड़ है, लेट काफ़ी हो गए, और उसके बाद केल जाना है डोली में बैठ के, उसके बाद वहाँ से बाइक स्टार्ट करनी है और फिर आगे जाना है, तो थोड़ा सा सब्र करते हैं, धूप थोड़ी और निकला है, फिर चलते हैं। आप जब तक यहाँ का मंदिर चेक करें, हमने नाश्ता भी नहीं करा, बारिश इतनी हो रही थी, हम नीचे नहीं उतरे यार, बारिश हमें तो कुछ करें, हम नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। सुबह को आपको मैंने पूरा व्यू दिखाया था, और उसके बाद से बारिश हो ही रही थी और बहुत तेज़ हो रही थी, देखते हैं क्या करते हैं भाई, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह चाहेंगे तो यहाँ से वापसी है, वरना देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अल्लाह अकबर। हाँ भाई जानू, बिस्कुट आ गए आपके, पता
सौ रुपये साथ आते हो या पता नहीं आ रहा, 200 रुपये उसमें सेंटिक होती है, कोशिश करेंगे।